हेलो एवरी वन आई होप यू ऑल आर फाइन सो हियर वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ अवर फाइनेंशियल अकाउंटिंग कोर्स एंड द चैप्टर नंबर वन विच वी आर स्टार्टिंग नाउ इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स ऑफ फॉरन करेंसी विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एस इलेवन एंड द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाइड फॉर दिस इज ए एस इलेवन एंड द चैप्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एज एफ ई एफ तो इस चैप्टर को हम एफ ई एफ के नाम से भी जानते हैं इस चैप्टर को हम फॉरेन करेंसी के नाम से भी जानते हैं और बड़ा नाम तो आपने अभी देखा ही होगा दैट इज अकाउंटिंग ऑफ ट्रांजेक्शन करेंसी सो इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे इस वीडियो में हम इस चैप्टर का बेसिक्स सीखेंगे वॉट इज द बेसिक्स रिलेटेड विद द फॉरन करेंसी पार्ट व्हाट आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन विच विल बी एक्सपेक्टेड इन योर एग्जामिनेशन एंड द पॉइंट्स रिलेटेड टू द क्वेश्चन और द बेसिक्स ऑफ द पार्ट Which you have to remember while solving all the questions so all these points we are going to learn in much detail so ध्यान से देखते रहे और अगर आपको कोई भी query होती है तो आप मुझे chat section में पूछ सकते हैं और जैसे मैंने आपको कहा है कि हर एक चैप्टर होने के बाद एक लाइव सेशन हम लेंगे तो उसी के बेसिस पे हम कंटिन्यू करेंगे तो शुरू करते हैं विद न्यू पॉइंट्स दैट इज फॉरेन करेंसी तो देखो अगर फॉरेन करेंसी की बात करें तो फॉरेन करेंसी का जो चैप्टर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है बिकॉज अगर हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस एक ही कंट्री के रिलेटेड रेस्ट्रिक्ट नहीं होता अगर हम बिजनेस बड़े लेवल पे करना चाहते हैं तो हम बिजनेस डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में कर सकते हैं सो so, इस चैप्टर में आपको सबसे पहली चीज़ जो याद रखनी है एंड दैट इज़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इलेवन So, ये बहुत सारे पेपर में ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इलेवन जो है दैट डील्स विद द फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन ऑल दो पार्ट्स रिलेटेड विद फॉरन करेंसी ट्रांजेक्शन इज कवर्ड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्टीन फॉरन करेंसी क्या है बेसिकली अगर हम इंडिया की बात करें तो अगर हम इंडिया से किसी फॉरेन कंट्री में गुड्स को सेल कर रहे हैं तो उस केस में फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व होती है बिकॉज हम जो पेमेंट रिसीव करेंगे वो फॉरेन करेंसी में होगा समझो इंडिया ने अमेरिका को गुड्स एक्सपोर्ट किए तो अमेरिका की करेंसी जो यूएस डॉलर्स है उसके बेसिस पे हमें पेमेंट रिसीव होगा तो दैट इज वाई ये फॉरेन करेंसी का कंसेप्टराइज होता है एक एक करके आगे पढ़ेंगे तो फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर दैट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इलेवन डील्स विद द विदेन करेंसी ट्रांजेक्शन

जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तब हम गुड्स का क्या करते हैं तब हम गुड्स का सेल करते हैं और हमें कैश जो है वो रिसीव होता है मतलब बैंक में हमारे पैसे इनफ्लो होते हैं अगर हम इम्पोर्ट की बात करें तो इम्पोर्ट में क्या करते हैं हम करते है। हम गुड्स को परचेस करते हैं व्हाट आर डूइंग हम गुड्स को परचेज करते हैं एंड सिमिलरली यहाँ पे हम कैश का क्या करेंगे यहाँ पे हम कैश का पेमेंट करेंगे तो कैश का क्या होगा यहाँ पे आउटफ्लो होगा ठीक है तो ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू हैव टू लर्न इन दिस चैप्टर इज एवरेज रेट बिकॉज ये थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एक है आपका एवरेज रेट दूसरा है क्लोजिंग रेट और तीसरा है आपका कंसेप्ट एक्सचेंज डिफरेंस देखो एवरेज रेट की बात करें तो एवरेज रेट क्या होता है एक होता है आपका ओपनिंग रेट और एक होता है आपका क्लोजिंग रेट अगर हम ओपनिंग और क्लोजिंग रेट को प्लस करके उसको डिवाइड कर दे टू से तो उसका एवरेज निकल जाएगा क्लोजिंग रेट क्या होता है क्लोजिंग रेट ये होता है कि जो क्लोजिंग करते वक्त जो रेट रहेगा वो आपका क्लोजिंग रेट माना जाएगा और एक्सचेंज डिफरेंस बेसिकली एक्सचेंज डिफरेंस की अगर बात करें तो जो रेट्स में डिफरेंसेस होते हैं जैसे आज मैंने एक्सपोर्ट किया तब रेट सेवेंटी फाइव था फिर अगर दो महीने के बाद मुझे पेमेंट मिला तब रेट सेवेंटी फाइव का सेवेंटी फोर भी हो सकता है या सेवेंटी फाइव का सेवेंटी सिक्स भी हो सकता है तो ये जो रेट में फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं ये जो रेट में डिफरेंसेस आ रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे उसे हम कहेंगे एक्सचेंज डिफरेंस तो दैट इज बेसिक पॉइंट विच यू हैव टू रिमेंबर आगे बढ़ते हैं विच ट्रांजैक्शंस नीड टू बी ट्रांसलेटेड ऐसे कौन से ट्रांजैक्शंस हैं जिनको ट्रांसलेट करना जरूरी होता है अगर हम एक ही स्टेट में गुड्स बेचेंगे या अगर हम इंडिया में एक ही कंट्री में गुड्स बेचेंगे तो इसमें तो कोई फॉरेन करेंसी का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है स्टेट में बेचो या कंट्री में बेचो सभी जगह पे करेंसी तो इंडियन रुपीज़ ही चलता है तो बेसिकली ये जो चैप्टर है इस चैप्टर में हमें ये चेक करना है कि हम कौन से कंट्रीज से गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं या कौन से कंट्रीज के बेसिस पे गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं तो बेसिकली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री इन्वॉल्व इन फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन तो फॉरन करेंसी ट्रांजेक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे सबसे पहले आपका इम्पोर्ट गुड्स तो वेन एवर यू आर इम्पोर्टिंग वेनएवर यू आर परचेजिंग एनी काइंड ऑफ गुड्स देन दैट काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन आर रिलेटेड विद फॉरन करेंसी सेकेंड जो है दट इज कॉल्ड एस एक्सपोर्ट गुड्स तो वेन एवर यू आर एक्सपोर्टिंग एनी काइंड ऑफ गुड्स तो दट इज ऑल्सो इन्वॉल्ड इन फॉरन करेंसी ट्रांजेक्शन बिकॉज यू आर सेलिंग द कमोडिटीज यू आर सेलिंग दी गुड्स टू दी अदर कंट्रीज एंड यू आर रिसिविंग पेमेंट इन देअर करेंसी एंड विच विल भी फर्दर कन्वर्टेड इन टू आर करेंसी तो दैट इज वाई फॉरन करेंसी ट्रांजेक्शन आर इन्वॉल्व ओवर हियर देंड द नेक्स्ट पॉइंट इज परचेजिंग फिक्स गुड्स तो फिक्स अगर गुड्स कुछ परचेस कर रहे हो तो भी फॉरेन करेंसी हो सकता है टेकिंग लोन टू परचेज फिक्स असेट्स तो टेक अगर आप लोन ले रहे हो फॉरेन करेंसी के बेसिस पे फिक्स असेट्स को परचेज करने के लिए तो भी वो फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन पे कवरअप हो जाएगा आगे बढ़ते अभी एक्सपोर्ट के बेसिस पे देखो हम इस वीडियो में एक्सपोर्ट का ही सीखेंगे फिर एक्सपोर्ट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे देन इंपोर्ट में जाऊंगा ताकि आपको कंफर्टेबल हो जाए कि एक्सपोर्ट के रूल्स और इंपोर्ट के रूल्स आपस में मिक्सअप ना हो जाए इफ यू लर्न export rules first then it will be very easy for all of you to learn the import rules so that is why export rules we are concentrating first so export rules mein dekho sabse pehle kya hai the rate at which goods are exported is called as the base rate kafi important concept hai dhyan se samajhna isko to jo rate mein हम goods को export करते हैं उसे हम इस chapter में क्या कहते हैं उसे हम इस chapter में base rate के नाम से जानते हैं That is called as base rate. समझो मैंने आज अमेरिका को गुड्स बेचे और जो आज का रेट चल रहा है सेवेंटी फाइव रुपीज पर डॉलर तो ये जो सेवन रुपीज पर डॉलर है इसे हम इस चैप्टर में बेस रेट के नाम से जानेंगे दैट इज द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूजफुल हो जाएगा सेकेंड इज वेनेवर गुड्स आर एक्सपोर्टेड बैंक अकाउंट इज ऑलवेज डेबिटेड ध्यान रखना मैंने कुछ सिंपल सिंपल ट्रिक्स आपको यहाँ पे लिख के दिए हैं अगर आपको जर्नल एंट्रीज फ्रेमिंग में डिफ़िकल्टी होती है इफ़ यू आर फाइंडिंग जर्नल एंट्रीज एज डिफिकल्ट टास्क कब डेबिट करना है कब क्रेडिट करना है तो ये कुछ सिंपल फंडाज है जो आपको याद रखना है ये सिंपल रूल से आप को सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत फेस नहीं होगी तो जब कभी भी हम गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट करना मतलब क्या करना एक्सपोर्ट करना मतलब सेल करना तो जब कभी भी हम गुड्स को सेल करते हैं तो आपको हमेशा याद रखना है बैंक अकाउंट हमेशा डेबिट होगा क्यों ऐसा डेबिट होगा देखो गुड्स को हम सेल करेंगे तो हमारे पास से गुड्स कहाँ जाएंगे फॉरेन कंट्री को जाएंगे फॉरेन कंट्री को जाएंगे फॉरेन कंट्री से हमारे पास क्या आएगा हमारे पास फॉरेन कंट्री से कैश आएगा तो कैश हमारे पास आ रहा है हमसे गुड्स जा रहे हैं तो डेबिट व्हाट कम्स इन व्हाट इज कमिंग इन कैश इज कमिंग इन बट कैश आपको डायरेक्टली कैश नहीं मिलेगा वो बैंक में जमा होगा इसीलिए बैंक अकाउंट हमेशा डेबिट होगा तो आपको याद रखना है बैंक अकाउंट इज ऑलवेज डेबिटेड इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड अगर इम्पोर्ट की बात करें तो इसके रिवर्स होगा लेकिन इम्पोर्ट अभी फिलहाल डिस्कस नहीं करते हैं अगले बार जब इम्पोर्ट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब उसमें डिस्कशन हम कर लेंगे जाता है डिफरेंस इन एक्सचेंज इजरेट अकाउंट विच इज ऑल्सोल्ड एस फॉर एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट ध्यान रखना अभी आपके पास एक नया नाम आ रहा है जो आपको इस चैप्टर में बार बार याद रखना है और बार बार ये नाम लिया जाएगा तो जो भी आपके डिफरेंस होंगे ट्रांजेक्शन्स में ये फॉर एग्जाम्पल आपने सेवेंटी फाइव रुपीज़ पर डॉलर में एक्सपोर्ट किया और जब पेमेंट हुआ तब पेमेंट हुआ सेवेंटी फोर पर डॉलर में तो ये सेवेंटी फाइव और सेवेंटी फोर में जो एक रुपये का डिफरेंस आया है ये डिफरेंस एक सेपरेट लेजर में ट्रांसफ़र होगा एंड सेपरेट लेजर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट विच इज कॉल्ड एज एफ ई एफ अकाउंट तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के चैप्टर में जैसे हम कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर करते थे सिमिलरली यहां पे आपको फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है जिसको हम शॉर्ट में एफ ई एफ नाम से जानेंगे सो वॉट एवर डिफरेंस भले वो इंपोर्ट में डिफरेंस हो भले वो एक्सपोर्ट में डिफरेंस हो इंपोर्ट में डिफरेंस हो या एक्सपोर्ट में डिफरेंस हो आपको कहां ट्रांसफर करना है आपको ट्रांसफर करना है एक सेपरेट अकाउंट में जिसको हम फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन के नाम से जानते हैं ये एक टेम्पररी अकाउंट इसी चैप्टर के लिए प्रिपेयर किया जाता है बाद में फिर इसका जो बैलेंस होता है दैट इज बीन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सो एफ एफ अकाउंट आपको याद रखना वेदर देर इज एनी प्रॉफिट वेदर देर इज एनी लॉस कोई भी प्रॉफिट हो कोई भी लॉस हो यही पे ट्रांसफर वो हो फर्दर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे अभी कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स में सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका थर्टी फर्स्ट मार्च का देखो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हर थर्टी फर्स्ट मार्च को क्लोज होते हैं तो थर्टी फर्स्ट मार्च को जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होंगे तो एक नया कंसेप्ट इमर्ज कर होता है और दैट इज कॉल्ड एज वैल्यूएशन करना मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपकी पार्टी आपको पूरा का पूरा पेमेंट थर्टी फर्स्ट मार्च तक दे देगा आपकी पार्टी आपको पूरा का पूरा पेमेंट थर्टी फर्स्ट मार्च तक नहीं देता होगा तो फिर वैल्यूएशन का कंसेप्ट आता है समझो आपको एक लाख का आपने गुड्स बेच दिया उसमें सेवेंटी फाइव थाउजेंड की पेमेंट थर्टी फर्स्ट मार्च के पहले तक आ गई रिमेनिंग ट्वेंटी फाइव थाउजेंड की पेमेंट उन्होंने दो महीने बाद पेमेंट की मतलब मई महीने में, में पेमेंट की तो अभी प्रॉब्लम ये अराइज होगा कि थर्टी फर्स्ट मार्च को जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करेंगे तब एक कंसेप्ट इमर्ज जो आता है दैट इज कॉल्ड एज वैल्यूएशन करना तो ये मैं आपको अभी थेटिकली समझा रहा हूं इसको हम प्रैक्टिकल के बेसिस पे समझेंगे एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा ताकि काफी ईजी तरीके से क्लियर हो लेकिन याद रखना वैल्युएशन कब होता है सबसे पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वैल्युएशन क्यों करना है और ये वैल्यूएशन कब होता है वैल्यूएशन क्यों करना है बिकॉज थर्टी फर्स्ट मार्च को वी आर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड सिंस वी आर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स वी नीड टू चेक दैट वेदर एनी आउटस्टैंडिंग पेमेंट इज ड्यू आफ्टर थर्टी फर्स्ट मार्च इफ यूर आंसर इज येस देन वैल्युएशन कम्स तो ही वैल्यूएशन होगा ये आपको ध्यान रखना है और वैल्यूएशन करते वक्त जो भी आपका डिफरेंस होगा विल बी टू अकाउंट सिमिलर रूल है जहां इस चैप्टर में एक ही रूल याद रखना है आपको कि कोई भी डिफरेंस कहीं पे भी अराइज होता है तो उसे हम एफ एफ के अकाउंट में ही ट्रांसफर कर लेंगे फर्दर वॉट एवर बैलेंस इज अवेलेबल इन दी एफ एफ अकाउंट तो जो एफ एफ अकाउंट में बैलेंस तो होता है वो थर्टी फर्स्ट मार्च को फिर कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होता है दैट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो ध्यान रखना है आपको दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव इज इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड दैट इज द बैलेंस ऑफ एफ ई एफ अकाउंट इज ट्रांसफर टू विच अकाउंट द बैलेंस एफ ई एफ अकाउंट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होता है तो अभी हम कुछ जनरल एंट्रीज देखते हैं फिर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लूंगा तो ये आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे एक्सपोर्ट से रिलेटेड इम्पोर्ट का बेसिक अभी बाकी है वो हम पहले एक्सपोर्ट के क्वेश्चन कंफर्टेबल हो जाएंगे we'll so, जो आपको याद रखना है जर्ल एंट्री बाहर नहीं करना है मैं आपको बताता हूँ इसको किस किस तरीके से याद रखना है तो सबसे पहला जो एंट्री होगा दैट इज रिगार्डिंग फॉर एक्सपोर्टिंग गुड्स वी आर एक्सपोर्टिंग गुड्स हम गुड्स बेच रहे हैं तो हमारे पास से गुड्स सामने वाले के पास गए इसलिए आपका एंट्री है पार्टीज अकाउंट डेबिट पार्टीज मतलब सामने वाले पार्टी का नाम लिखना है हमको या फिर सामने वाले पार्टी को कोई नाम नहीं होगा तो सन्डरी रेटर्स अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्ट सेल्स अकाउंट तो ये हमको कन्वर्ट करके मतलब जो भी डॉलर होंगे या जो भी करेंसी होंगी उनको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करके लिखना है तो एक्सपोर्ट का कोई भी ट्रांजैक्शन हो आपकी शुरुआत यही से होगी एक्सपोर्ट का फर्स्ट एंट्री हमेशा यही होगा एंड दैट इज फॉर एक्सपोर्टिंग गुड्स एंट्री विल बी पार्टीज अकाउंट डेबिट या सेंड्रीडेटर्स अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्ट सेल्स अकाउंट अमाउंट लेके सोल्व करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो हमें करने ही है सेकेंड जो एंट्री होने वाला है दैट इज फॉर इंस्टॉलमेंट रिसिव तो इंस्टॉलमेंट आपको मिलेगा इंस्टॉलमेंट मिलने का क्या एंट्री है इंस्टॉलमेंट मिलने का एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट मैंने अभी आपको बेसिक्स में बताया था कि एक्सपोर्ट के ट्रांजेक्शन्स में हमेशा बैंक अकाउंट डेबिट होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टीज अकाउंट ये आपका फिक्स एंट्री है लेकिन एक नोट दिख रहा है यहाँ पे नोट ये कहना चाहता है इन दी अब एंट्री एफ अकाउंट इज डेबिटेड और क्रेडिटेड डिपेंडिंग अपॉन प्रॉफिट और लॉस तो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया था कि रेट था सेवेंटी फोर या सेवन जो रेट था आपका तो देखो सेवनटी फाइव अगर रेट है या सेवेंटी फोर बन गया डिफरेंस जो था एक रुपए का वो हमने देखा कि कहाँ ट्रांसफर होगा दैट इज ट्रांसफर टू अ सेपरेट अकाउंट कॉल्ड एस एफ एफ राइट सो एफ एफ अकाउंट यहाँ पे लिखा है डेबिटेड और एफ ई एफ अकाउंट अगर होगा क्रेडिट है डिपेंडिंग अपॉन प्रॉफिट लॉस सिंपल रूल है इसका अगर कभी आपको ट्रांजेक्शन में प्रॉफ़िट दिखता है उसका मैं बेसिक रूल आपको दे दूंगा. काफ़ी इजी है मैंने एक ट्रिक बनाई है ताकि प्रॉफिट लॉस में भी आप कन्फ्यूजन में ना रहो अगर प्रॉफिट होता है तो आपको याद रखना है अगर प्रॉफिट होता है तो आपको ये याद रखना है कि एफ अकाउंट क्रेडिट होगा अगर लॉस होता है तो आपको याद रखना है एफ ई एफ अकाउंट हमेशा डेबिट होगा ये बेसिक रूल है ये बेसिक ट्रिक है जो आपको याद रखनी है दैट विल बी इंपॉर्टेंट तो दैट वी आर गोइंग टू सी इन द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स टू कम मोर एग्जाम्पल्स और वैल्यूएशन मेड अगर वैल्यूएशन करेंगे वैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ तो एंट्री होगा पार्टीज अकाउंट डेबिट टू एफ देखो प्रॉफिट में एफ एफ क्या हो रहा है क्रेडिट हो रहा है अभी मैंने आपको बताया और अगर लॉस होगा तो लॉस में आपका एंट्री होगा एफ अकाउंट डेबिट टू पार्टीज अकाउंट ठीक है फिर एक क्लोजिंग का एंट्री होता है क्लोजिंग का एंट्री जब हम सॉल्व करेंगे तब तो सीखेंगे एक अभी एग्जाम्पल लिया है तो एग्जाम्पल से थोड़ा समझाता हूँ थो, आपको दैट विल बी बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड इन अ सिंपल वे देखो ए बी लिमिटेड ने एक्सपोर्ट किए गुड्स कितने डॉलर के फिफ्टी थाउजेंड डॉलर के तो यहाँ पे बे, बेस रेट सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ बेस मैंने आपको क्या बताया था जिस दिन एक्सपोर्ट करेंगे उस दिन का बेस रेट फर्स्ट जाने से फिफ्टी थाउजेंड का और सिंपल एग्जाम्पल लिए एंड पेमेंट वॉज रिस ऑन फिफ्टीन फेब्रुआरी तो थर्टी फर्स्ट मार्च के पहले सब कुछ मिल गया वैल्यूएशन का कंसेप्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं है वो तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ताकि आपको कंफर्टेबल हो जाए जनरल एंट्री के साथ बताता हो देखो कैसे होगा बेस रेट क्या आपका सेवेंटी 5 रुपीस है तो बेस रेट कितना है 75 रुपीस है कितने डॉलर का पेमेंट है 50000 डॉलर का किसको एक्सपोर्ट किया ए बी लिमिटेड ने एक्सपोर्ट किया वेस्ट जर्मनी को तो हमारा एंट्री क्या बनेगा हमारा एंट्री बनेगा वेस्ट जर्मनी अकाउंट डेबिट वेस्ट जर्मनी अकाउंट डेबिट पार्टीज अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्ट सेल्स अकाउंट ठीक है जनरल एंट्रीज हम सीखने ही वाले हैं लेकिन ये आपको एग्जाम्पल के लिए देखो कैसे करना है फिफ्टी थाउजेंड डॉलर है क्या है आपका बेस रेट सेवेंटी फाइव है आपका बेस रेट तो फिफ्टी थाउजेंड को अगर सेवन से मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू मिल जाएगी थर्टी सेवन लाखी थाउजेंड तो डेबिट साइड में भी थर्टी सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड क्रेडिट साइड में भी थर्टी सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड दिस इज दी फर्स्ट एंट्री और ये आपकी कौन सी एंट्री है फॉर एक्सपोर्टिंग गुड्स मैंने आपको अभी एंट्री बताई थी एक्सपोर्टिंग गुड्स क्या थी एंट्री पार्टीज अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्ट सेल्स अकाउंट तो पार्टीज अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्ट सेल्स पार्टी का नाम क्या है बेस्ट जर्मनी अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्ट सेल्स ठीक है सेकेंड एंट्री में जाते हैं सेकेंड एंट्री में जाने से पहले आपको क्या करना है बेस रेट को कंपेयर कर लेना है यहाँ पे मैंने बेस रेट लिखा सेवेंटी फाइव ठीक है पेमेंट जब मिला पंद्रह फेब्रुवरी को तब रेट कितना बना सेवेंटी देखो रेट बढ़ गया हमारा सेवेंटी सिक्स जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तब हमें पैसे मिलते हैं तो जब हमने एक्सपोर्ट किया तब रेट था सेवेंटी फाइव और जब हमें पैसे मिलेंगे तब रेट कितना है सेवेंटी सिक्स तो क्या हो रहा है रेट बढ़ रहा है बराबर है रेट क्या हो रहा है रेट बढ़ रहा है अगर रेट आपका बढ़ेगा यहाँ पे दिख रहा है रेट बढ़ रहा है अगर रेट बढ़ेगा तो क्या होगा आपको रेट बढ़ेगा तो आपको होगा प्रॉफिट अगर प्रॉफिट होगा तो आपको क्या बताया था मैंने प्रॉफिट होगा तो एफ अकाउंट क्या होता है प्रॉफिट होगा तो एफ एफ अकाउंट क्रेडिट होगा ध्यान से तो देखो एंट्री कैसे कर रहा हूँ पहले एंट्री कर लेंगे एंट्री है हमारा बैंक अकाउंट डेबिट क्यों बैंक अकाउंट डेबिट पैसे मिलने वाले हैं ना और बताया था मैंने कि एक्सपोर्ट में हमेशा बैंक अकाउंट डेबिट होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू वेस्ट जर्मनी अकाउंट और टू एक्सपोर्ट सेल्स अकाउंट एक्सपोर्ट सेल्स अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू वेस्ट जर्मनी अकाउंट टू एक्सपोर्ट सेल्स अकाउंट ठीक है अभी देखो मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है काफी सिंपल है सबसे पहले हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे हमारे इंस्टॉलमेंट रिसिव का देखो फिफ्टी थाउजेंड का इंस्टॉलमेंट कौन से रेट से मिल रहा है फिफ्टी थाउजेंड का इंस्टॉलमेंट हमें मिल रहा है सेवेंटी सिक्स के रेट से तो क्या करना है फिफ्टी थाउजेंड को मल्टीप्लाई करना है सेवेंटी सिक्स के साथ फिफ्टी थाउजेंड को सेवेंटी साथ मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो 3000 76 तो आपका रेट कितना होगा 76 तो कितना वैल्यू आएगा दैट बिकम्स 38 लाख 38 लाख ठीक है वेस्ट जर्मनी में जो ऊपर लिखा है वो ही कॉपी करना है दैट इज 37 लाख ,00 3000 और 37 लाख ,00, 50000 में से 38 लाख का डिफरेंस अगर देखें तो डिफरेंस कितना है डिफरेंस है आपका 3000 एक्सपोर्ट सेल्स लिखा आप जस्ट वन सेकेंड इधर एफ एफ लिखा, क्या लिखा? आपको लिख टू एफई अकाउंट के लिए एफ ई एफ में ही प्रॉफिट ट्रांसफर होता है so, तो मैंने गलती से ऊपर का ही वैल्यू लिख दिया दैट इज एफईफ अकाउंट दैट इज फॉरन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट एंट्री क्या होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू वेस्ट जर्मनी अकाउंट एफ ई एफ अकाउंट छोटा सा एग्जाम्पल था होप कि आपको एग्जाम्पल क्लियर हुआ रहेगा अगर कोई भी क्वेरी आपको आती है मुझे चैट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं ताकि आपको इसके बेसिक्स जो प्रॉब्लम्स है वो आपको आगे धीरे धीरे समझ में आ जाए थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस वीडियो अगले बार मिलेंगे नए कंसेप्ट थैंक यू ऑल ऑफ यू बाय बाय टेक केयर